हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम सेफ्टी पिन से मैट बनाएंगे, बिना सिलाई बिना क्रोशिया के आसानी से घर पर बनाएं मैट। देखिए, ये जो आपके पास साड़ी चुन्नी या कोई पुराने कपड़े हैं उनसे आप मैट बना सकते हैं। तो इस तरह की हमें इतनी चौड़ी चौड़ी दो पट्टियाँ लेनी है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले ले, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हैं आप वही कलर ले ले। मेरे पास ये दो कलर हैं तो मैं ये दो कलर लूँगी। देखिए, दो कलर लेने के बाद हमें इस तरह से इसे ले लेना है, ऐसे एक के अंदर एक को रखेंगे और ऐसे ले लेंगे। फिर देखिए, हम दो उंगली लेंगे अपनी, दो उंगली पे इसे हम लपेट लेंगे तीन बार। तीन बार लपेटने के बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें इस ग्रीन पट्टी को ऊपर की साइड ले लेंगे, ऐसे ऐसे ले लेंगे, इसे पीछे छोड़ देंगे। और जो ऑरेंज पट्टी है हमारी, इस पट्टी पे हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे, ऐसे यहाँ पर किनारी पे, यहाँ पर सेफ्टी पिन को ऐसे बंद कर लेंगे। ठीक है, देखिए बंद करने के बाद इस धागे को हम पट्टी को हम पीछे छोड़ देंगे और ऐसे ऐसे ले लेंगे हम, ऐसे लिया और इसे ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे इसे हम निकाल लेंगे। इस पट्टी को देखिए हमें पीछे छोड़ देना है, ऐसे इसे पीछे रख देंगे, ऐसे पीछे की साइड कर दें आप और इसे ऐसे निकालते हुए ऐसे निकाल लें। ठीक है, देखिए ऐसे निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। इसमें आपको 4 से 5 मीटर लंबी पट्टी चाहिए, उसमें हमारा मैट बन के आएगा। तो देखिए ऐसे ही निकालते हुए हम इसमें 12 बार बनाएंगे फंदे, ये ऐसे देखिए। फिर इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, इसे 12 बार निकाल लेंगे हमें। एक बार हमारा हो गया, ये दो बार ऐसे, इसे आप सीधा करते हुए जाएं, ऐसे सीधा ले लें ऐसे, ठीक है, और इसे टाइट करते जाएं। फिर देखिए फिर से हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे ऐसे, और निकालने के बाद देखिए यहाँ पे आने के बाद हम इसे ऐसे निकाल लेंगे, इसके बीच से जो ये बीच में है यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे इस पट्टी को, और ऐसे कर देंगे। देखिए ऐसे ऐसे करते हुए हम इसमें 12 बार निकाल लेंगे। ये हमारा 3 बार हो गया है। आप देखिए ऐसे इसे ऐसे निकाल लेंगे बीच से, ये जो पट्टी का दिख रहा है ना, इसके बीच से निकाल लेंगे हम इसे, और ऐसे निकालते हुए हम इसे ऐसे, ये देखिए हमारा 4 बार हो गया। हमें 12 बार निकालना है ऐसे ऐसे। बहुत ईजी है फ्रेंड्स इस मैट को बनाना। जिसे सिलाई या क्रोशिया बिल्कुल भी चलाना नहीं आता, वो भी अपने घर पर वेस्ट कपड़ों से, कोई पुरानी चुन्नी है पुराने कपड़े हैं उनसे घर पर आसानी से मैट बना सकते हैं। ऐसे इसके अंदर से हम निकाल लेंगे ऐसे, और बहुत ही कम कपड़े में ये हमारा मैट बनके रेडी हो जाता है ऐसे। देखिए फिर से निकालेंगे, और ये जो बीच में जगह है इसमें से ऐसे इसको निकाल लेंगे सेफ्टी पिन को ऐसे। इसे बस एक ध्यान रखें, आप कपड़े को ऐसे सीधा रखें, ऐसे सीधा करते हुए जाएं ऐसे, ये क्योंकि फोल्ड हो जाता है कपड़ा हमारा साथ साथ है, ऐसे इसे सीधा ले लें, देखिए ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कुछ हमारा बन के आएगा। देखिए फिर से लेंगे और इसके बीचों से ऐसे निकाल देंगे सेफ्टी पिन को ऐसे, ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इसे आप सीधा कर ले कपड़े को, साथ साथ सीधा करते हुए जाएं ऐसे,
ठीक है। फिर देखिए घूमेंगे और इसे इसके बीच से ऐसे निकाल देंगे ऐसे ऐसे, हम इसे बीच से निकाल देंगे। फिर से देखिए हमें ऐसे ही पकड़ना है और इसके बीच में से ऐसे निकाल देना है ऐसे, और इस कपड़े को हम सीधा करते हुए ऐसे निकाल देंगे ऐसे, इसे यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे ऐसे ऐसे। फिर हम यहाँ से निकालेंगे ऐसे, निकालते हुए इसे निकाल लेंगे ऐसे, इसे हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे ऐसे 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 निकाल लेंगे हम। देखिए अब हम यहाँ आ गए हैं जहाँ पर हमारा दूसरा कपड़ा है ये, इसमें भी हम एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे ऐसे, और इस कपड़े को हम साथ में लेके चलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखिए उस कपड़े को हमने छोड़ दिया था, लेकिन इसे हमें साथ में लेके ऐसे चलना है। तो देखिए मैं दूसरे कपड़े में सेफ्टी पिन लगाती हूँ ये, हमें इसमें भी यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे ऐसे किनारे पे, ठीक है। ऐसे लगा लेंगे हम सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन लगाने के बाद देखिए हमें क्या करना है, इसको लेना है हमें, इस ग्रीन वाले को लेना है और इस ऑरेंज वाले को साथ में लेके चलेंगे। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जो हमने ये डाला था, जो फर्स्ट फंदा हमने बनाया था यहाँ पर, देखिए ये आसानी से दिख जाएगा जब आप बनाएंगे। तो इस फंदे के अंदर से हम ऐसे सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे ले लेंगे और ग्रीन वाले को ऐसे निकाल लेंगे ऐसे, इसको हम साथ में ऐसे ले लेंगे ऐसे ऐसे लेते हुए चलेंगे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऐसे ले लेंगे और इसे बीच ऐसे निकाल लेंगे ऐसे, इसे ऐसे टाइट कर देंगे ऐसे ऐसे टाइट करते हुए जाएंगे। फिर देखिए इसको आगे करेंगे ऑरेंज वाले को, और इससे अगले में जहाँ पर अगला फंदा बनाया था उस फंदे में से, पहले हमने इस फंदे में से निकाला इसमें से, अब देखिए हम इसमें से निकाल लेंगे ये जो फंदा है हमारा इस फंदे में से, और इसे ऐसे पकड़ते हुए ले लेंगे और इसे ऐसे बीच में से निकाल लेंगे ऐसे, और यहां पर हम इसे ऐसे टाइट कर लेंगे, ठीक है ऐसे, और इसे साथ में ऐसे लेकर चलेंगे ऐसे, इसे यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लेंगे पीछे की साइड। इसमें से निकाला, अब देखिए हम इसमें से निकाल लेंगे, इस वाले फंदे में से निकाल लेंगे, ये जो पीछे फंदा है ना हमारा ये वाला, ये इसमें से निकाल लेंगे, और इस फंदे को इस धागे को हम इसको ऐसे आगे ले लेंगे और इसे बीच में से निकाल लेंगे ऐसे, ऐसे ऐसे हम इसे बीच से निकाल लेंगे ऐसे ऐसे
ऐसे। देखिए फिर आगे करेंगे हम इस वाले को और इसे ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे। जो हमारा फंदा है उसके बिल्कुल अंदर से निकालना है और इसे यहाँ पर ऐसे खींच देंगे ऐसे, ठीक है। देखिए इस तरह से आएगा ऐसे। फिर देखिए आगे इसे ऐसे कर लेंगे ऐसे और फिर इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकाल लेंगे इसे ऐसे। इसे हम साथ में थोड़ा सा टाइट करते हुए जाएंगे, देखिए ऐसे। फिर हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे और जो ये फंदा बनाया था ये वाला, देखिए ये वाला फंदा, इसमें से निकाल लेंगे और इस ऑरेंज पट्टी को हम साथ में ऐसे टाइट कर लेंगे। इस पट्टी को हम साथ में टाइट करते हुए जाएंगे, देखिए इस तरह से बन के आएगा ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए थोड़ा सा बन जाएगा ना, उसके बाद दिखाई देगा आपको ऐसे। इसे हम टाइट करते हुए ऐसे बना लेंगे। फिर से देखिए हमें क्या करना है, इस फंदे को, इस पट्टी को मोड़ लेना है और जो ये फंदा बनाया था ये वाला, इस फंदे में से ऐसे निकाल लेंगे ऐसे और इस पट्टी को हमें हाथ से दबा लेना है ऐसे ऐसे और इसे ऐसे टाइट कर लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे टाइट करते हुए हमें इसे ऐसे बना लेना है, ठीक है। देखिए पहली बार में आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है, अब की बार जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा अच्छे से बन के आएगा। फिर देखिए हम इसको पट्टी को ऐसे दबाएंगे और इस फंदे में से ऐसे निकाल लेंगे ऐसे ऐसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। देखिए फिर से इस पट्टी को हम उंगली से दबा लेंगे और जो ये फंदा है हमारा, देखिए ये फंदा हमारा ऐसे पीछे की साइड दिखेगा और इसे ऐसे निकाल लेंगे ऐसे और इस पट्टी को हम साथ में ऐसे इस उंगली से दबा लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसे ऐसे टाइट कर देंगे ऐसे। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आपको एक बार ऐसा लगेगा जब बनाने लगेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे ऐसे। देखिए फिर से हमें इस पट्टी को ऐसे हाथ से दबा लेना है और इस फंदे में जो ये वाला फंदा बनाया था ना हमने, ये वाला पीछे दिखेगा, देखिए ये आप देखेंगे तो आसानी से नजर आएगा आपको, और इसे बीच से ऐसे निकाल देंगे ऐसे ऐसे हम इसे निकाल देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए फिर से इस पट्टी को हम दबाएंगे और जो ये फंदा लिया था ये दिख रहा, इस फंदे के बीच से ऐसे निकाल देंगे ऐसे और इसे हम ऐसे टाइट कर लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे इस तरह से बन के आएगा ये इस तरह से, ठीक है। देखिए फिर अब हम, हमारा ये फंदा बच गया तो इस फंदे में से ऐसे निकाल लेंगे ये वाला फंदा। ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर हमारा सेकंड कलर है जहाँ पर, तो यहाँ पर अब हमें एक बार फिर से इसमें से निकाल लेंगे ऐसे ऐसे निकाल लेंगे
इस ग्रेन को ऐसे टाइट कर लेंगे। देखिए फिर से हम इस पट्टी को ऐसे दबा लेंगे और जहाँ पर हमने ये फंदा बनाया था इस फंदे में पट्टी को दबाते हुए जाना है और ऐसे निकाल लेंगे ऐसे। ऐसे दबा लेंगे और इसे हम अपने हाथ से ऐसे टाइट कर लेंगे ऐसे ऐसे दिख के आएगा। देखिए दो कलर में हमारा दोनों ही कलर दिखेंगे। देखिए इसी में हमें एक बार फिर से निकालना है। अब की बार हमें हर बार दो दो बार निकालना है, एक ही फंदे में दो बार निकालेंगे ऐसे। ये ऐसे दो बार हो गया हमारा, ठीक है। देखिए फिर आगे आएंगे और इस फंदे में फिर से हमें दो बार निकालना है। इस पट्टी को आगे करेंगे और इस फंदे में फिर से हम दो बार निकालेंगे ऐसे ऐसे। इसे ऐसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो जोड़ है इसे हम थोड़ा सा आराम से निकालेंगे ऐसे ऐसे निकाल लेंगे ऐसे और इसे टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से टाइट करते हुए जाना है। फिर देखिए इसी फंदे में हमें एक बार फिर से निकालना है। अब की बार हमें हर फंदे में से दो दो बार निकालना है ऐसे। ये हमारा दो बार हो गया। फिर देखिए इस पट्टी को आगे लेके आएंगे ऐसे और इस फंदे में से अगले फंदे में से ऐसे पिन को निकालेंगे और इसे उंगली से दबा लेंगे ऐसे और ऐसे इसे टाइट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है ऐसे। फिर देखिए इस पट्टी को दबाएंगे, इसी में से एक बार फिर से निकालना है। एक बार निकाला था हमने, अब की बार हमें हर फंदे में से दो दो बार निकालना है ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर देखिए अगले फंदे में से दो बार निकालेंगे ऐसे और इस ऑरेंज पट्टी को हाथ से ऐसे दबाते हुए चलेंगे। इसे आगे की साइड हमें उंगली से दबा लेना है और इसे हमें टाइट कर लेना है ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे, तो देखिए इसे फिर से दबा लेंगे और इसी फंदे में से एक बार फिर से निकालेंगे, क्योंकि अब की बार हमें हर फंदे में से दो दो बार निकालना है ऐसे। ये दो बार हो गया, दो बार इसमें से निकाला, दो बार इसमें से निकाला, दो बार इसमें से। अब देखिए यहाँ पर इसको हम पट्टी को इस उंगली से दबा लेंगे और जो ये फंदा था हमारा ये वाला, इसमें से फिर से दो बार निकालेंगे ऐसे। इसे सीधा करते जाइए आप साथ साथ और इस तरह से पकड़ लीजिए। इस पट्टी को आप उंगली से ऐसे दबा लीजिएगा ऐसे और देखिए इसी फंदे से में हमें एक बार फिर से निकालना है। हर फंदे में अब की बार हमें दो दो बार निकाल लेना है ऐसे और इसे हम यहाँ पर टाइट कर लेंगे ऐसे और इसे हमें ऐसे दबा लेना है ऐसे। फिर देखिए अगले फंदे में हम इस फंदे में, ये है हमारा अगला फंदा यहाँ पर, ये रहा, ये दिखाई दे रहा है, ये पीछे से आपको दिखाई देगा, जब आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। और ऐसे देखिए इसे हम टाइट कर देंगे, फिर से वापस इसी फंदे में से एक बार फिर से निकालेंगे और ऐसे निकाल देंगे। देखिए इस तरह से जब ये थोड़ा सा बनेगा ना तब अपने आप दिखने लग जाएगा आपको। देखिए फिर इस पट्टी को अपने उंगली से ऐसे दबा लेंगे
और ये जो नेक्स्ट फंदा है देखिए ये रहा, ये दिखाई देगा पीछे की साइड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर, इसमें से आप सेफ्टी पिन निकालें, उस इसको दबाते हुए जाएं, जो ये पट्टी है हमारी इस पट्टी को दबा लें ऐसे, देखिए ऐसे, ये जो बीच में है इसे हमें थोड़ा सा ऐसे लूज छोड़ना है ताकि हमारा डिजाइन अच्छे से दिखने लग जाए, ये ऑरेंज वाला ऐसे ऐसे, ठीक है, इसे ऐसे छोड़ते हुए जाएंगे हम। फिर देखिए इसी फंदे से हमें हमें एक बार फिर से निकालना है, तो चलिए मैं इसे यहाँ तक लेके आती हूँ जहाँ पर हमें दो निकाले हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारा कुछ इस तरह से बन के आएगा ऐसे, ठीक है, ये डिजाइन हमारा ऐसे डलता हुआ आएगा, ये दिखता रहेगा। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दो फंदे छोड़ने हैं और जो इसके बीच में ये खाली जगह है यहाँ पर हमें तीन फंदे बनाने हैं, ऐसे ही निकालते हुए ऐसे निकाल लेंगे ऐसे और इसे टाइट कर लेंगे, देखिए ऐसे टाइट करते हुए जाना है और इस ऑरेंज पट्टी को थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए जाना है ऐसे, देखिए पीछे की साइड से ऐसे करेंगे और एक ही फंदे में तीन बार निकालना है, तीन बार, ये दो और ये तीन, एक ही फंदे में तीन बार निकालेंगे और इस पट्टी को थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए जाएंगे ऑरेंज वाली पट्टी को ऐसे। देखिए फिर से हम जो दो फंदे बनाए थे ये वाले इनको छोड़ेंगे और इस पट्टी को ऐसे दबा लेंगे और इनके बीच में जो जगह है उसमें तीन बनाएंगे हम ऐसे और इसे टाइट कर लेंगे ऐसे, ठीक है ऐसे, और एक ही फंदे में तीन बार निकाल लेंगे, ये देखिए दो ऐसे, दो फिर से निकालेंगे इसी में और इस ऑरेंज पट्टी को हम उंगली से ऐसे दबा लेंगे पीछे की साइड ऐसे और इसे हम देखिए थोड़ा सा आराम से टाइट करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर जोड़ आ रहा है ऐसे और इसे ऐसे टाइट कर लेंगे, देखिए ये हमारे तीन हो गई, तीन हमने यहाँ पर बना दिए, तीन यहाँ पर बनाई। फिर देखिए पट्टी को आगे करेंगे और जो ये दो फंदे हैं उससे आगे जो खाली जगह है यहाँ पर इसमें से निकाल देंगे। अब की बार हमें इस चक्कर में हर फंदे में तीन बार निकालना है और इसे ऐसे टाइट कर लेंगे ऐसे, देखिए फिर से निकालेंगे और इस पट्टी को आप उंगली से दबा ले पीछे की साइड ऐसे ऐसे ले लेंगे हम। फिर से इसी फंदे में से एक बार फिर निकालेंगे ऐसे, ठीक है, देखिए इस तरह से, इसे बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है वरना हमारा ये जो है मैट वो फोल्ड होने लग जाएगा, इसे ऐसे ही थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए बनाना है। फिर इस पट्टी को आगे लेके आना है ऐसे, जो हमारा डिजाइन दिखता रहे पट्टी को हमें ऐसे लेना है और जो ये दो फंदे बनाए थे इसके जो पीछे जगह है उसमें लेना है और तीन बार बना लेना है, एक ही में फंदे में हमें तीन बार बनाते हुए जाना है ऐसे, ठीक है, और इस ऑरेंज पट्टी को हम पीछे दबा लेंगे, देखिए फिर से हमें यहाँ पर तीन बार निकालना है, ये दो और ये हमारा तीन, ऐसे तीन बार निकाल लेंगे। फिर से देखिए पट्टी को पीछे दबाना है और जो दो फंदे हैं उससे पीछे जगह छोड़ के उसमें ऐसे निकाल लेना है तीन तीन बार। अब की बार इस चक्कर में हमें सब में तीन तीन बार निकालना है ऐसे, देखिए फ्रेंड्स बड़ा या छोटा आप जितना भी इसे बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं,
छोटा बनाना चाहें छोटा बना सकते हैं, जितना बड़ा छोटा आपको बनाना है आप उसी हिसाब से इसमें बना लें। देखिए अब हमें यहाँ पर तीन बार निकालने हैं, इस पूरे चक्कर में हमें तीन तीन बार निकालने हैं। पहले देखिए हमने एक एक बार निकाला, पहले हमने यहाँ पर 12 फंदे डाले, फिर एक एक बार निकाला, फिर दो बार निकाला, अब की बार हम इसमें तीन तीन बार बना लेंगे। ये देखिए दो बार हमारा एक बार हो गया, अब निकालेंगे दो बार, इस ऑरेंज पट्टी को हम साथ में दबाते हुए चलेंगे और यहाँ पर ये हमारा तीन बार हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे बन के आएगा। फिर से इस ऑरेंज पट्टी को हाथ से दबाएंगे और जो दो फंदे हैं उसके पीछे जो खाली जगह है वहाँ पर हम तीन बार बना लेंगे। एक ही फंदे में हमें तीन बार निकाल लेना है, ऐसे ऑरेंज पट्टी को हमें पीछे उंगली से इस तरह से दबा लेना है। देखिए ये दो बार निकाल लिया, इस पट्टी को पीछे दबा लेंगे ऐसे, और ये तीन बार। फिर देखिए इससे जो ये दो फंदे हैं ये छोड़ देंगे और इसके पीछे ये जगह जब आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से दिखती रहेगी, और ऐसे ही बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ऐसे, ऐसे ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये दो हो गए, देखिए अब हमारा ये जो कपड़ा है वो खत्म हो गया है, तो इसमें हम दूसरा कपड़ा जोड़ लेंगे ऐसे, इसे खोल लेंगे पहले, और देखिए कैंची से हम यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे, उससे हमें सुई से सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच में हम यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे और जो दूसरा हमारी पट्टी है वो पट्टी ले लेंगे ऐसे, और उस पट्टी में भी देखिए हम बीच में ऐसे ही कट लगाएंगे छोटा सा ऐसे, और ऐसे इसके अंदर से निकाल लेंगे। देखिए इस पट्टी को हमें ऐसे निकाला, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और पीछे जो ये पट्टी है हमारी, इस पट्टी को हम यहां से निकाल लेंगे। देखिए इसके अंदर से ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे हमने उसके अंदर से निकाला है, इससे हमें सुई धागे से सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ले लेंगे हम, ये देखिए हमारा कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक है, और जब ये लेके आएंगे आप तो इसे ऐसे फोल्ड कर लिए। ठीक है, इसे हमें देखिए सुई धागे से सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए हमें क्या करना है, अब दोबारा से हमें इसमें फिर से सेफ्टी पिन लगानी है यहाँ पर, और ये दो हो गए थे हमारे, एक बार फिर से निकाल लेंगे और इस ऑरेंज पट्टी को हम पीछे हाथ से दबा लेंगे ऐसे। और इसे ऐसे निकाल लेंगे, देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो जोड़ लगाया है उसकी वजह से थोड़ा सा आराम से निकालें आप इसे और ऐसे टाइट कर लें। ठीक है, देखिए अब हमें इस पूरी राउंड को तीन तीन बार लगाते हुए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। देखिए कुछ इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स, आपको जितना बड़ा छोटा बनाना है आप उसी हिसाब से बना लें। देखिए मैं अब आपको आगे बताती हूँ कि कैसे बनाना है। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को तो हमें ऐसे ही दबाते हुए जाना है, और जो ये इसके बीच में, ये बीच में यहाँ पर जगह है, यहाँ पर हमें फिर से तीन तीन फंदे बनाते हुए जाना है ऐसे। ठीक है, जो तीन फंदे छोड़ने के बाद जो बीच में जगह आएगी वहाँ पर हमें तीन तीन बार फिर से बनाते हुए जाना है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे देखिए दो बार बनाया, ऑरेंज वाली पट्टी को आप पीछे हाथ से ऐसे दबाते हुए जाएं ऐसे। ठीक है, अब हमें इस पूरे
मैट में कोई भी चेंज नहीं करना। ऐसे ही बनाते हुए आपको इसकी जितनी भी लंबाई बनानी है, जितना भी बड़ा बनाना है उतना ही बड़ा आप इसे बना ले। बहुत ही आसानी से ये हमारा बन के आएगा। तो इस राउंड को देखिए पूरा, इसे मैं पूरा करने के बाद अब आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, अब ये जो तीन जो हमने बनाए थे उसके पीछे जो खाली जगह है, ये जैसे यहाँ पर ऐसे ही बनाते हुए अब हम इसे पूरे मैट को कंप्लीट करना है। अब इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ऐसे ऐसे बना लेंगे हम इसे। फिर देखिए इसी में से निकालेंगे और इस ऑरेंज पट्टी को आप पीछे हाथ से दबाते हुए चले ऐसे। फिर से देखिए यहाँ पर तीन निकालेंगे, ये दो हो गए, फिर एक बार निकाल लिया। फ्रेंड्स बहुत ईजी है, जिसे सिलाई या क्रोशिया बिल्कुल भी चलाना नहीं आता वो आराम से इस मैट को बना सकते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर और बनाने में बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो बनाना बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसे ही बनाते हुए फ्रेंड्स हम इसे जितना भी हमें बड़ा बनाना है उसी हिसाब से हम इसे बना लेंगे। आप जितना इसे बड़ा बनाना चाहे बड़ा बना ले, छोटा बनाना चाहे छोटा बना ले। आप इसे डोरमेट में यूज कर लें, पूजा मैट में, टेबल मैट में, जिस भी मैट में यूज करना चाहें आप इसे। साड़ी से बनाए, चुन्नी से बनाए, आपके पास जो वेस्ट कपड़े हैं, जैसे आपके पास कई बार नए कपड़े भी बच जाते हैं और कई बार पुराने भी बहुत सारे कपड़े हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप सभी कपड़ों को यूज कर सकते हैं और आपने बहुत ही सुंदर से मैट इस तरह से बना सकते हैं। देखिए ये बिना सिलाई बिना क्रोशिया के बनने वाला बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट है और बहुत ईजी है इसे बनाना। तो देखिए मैं इसे आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ कि बनने के बाद ये हमारा कैसा लगता है।